एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगी। कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हार कर राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करता पकड़ा जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम आता ही नहीं था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है, मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा, भूखे मरने से बेहतर है कि चोरी करके मरा जाए। वह उस रात को एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए, शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चकमा देकर भाग पाना संभव नहीं होगा। भागने से तो जान नहीं बचने वाली युक्ति सोचनी होगी। चोर नगर से बाहर एक तालाब किनारे पहुंचा, सारे कपड़े उतार कर तालाब में फेंक दिए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगुलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बिट पड़ी थी। चोर ने बिट उठाकर उसका तिलक लगा लिया और आँख मूंद कर ऐसे समाक करके बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहाँ पर पहुँच गए, पर उनको चोर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। खोजते खोजते उजाला हो रहा था और उनकी नज़र बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा इधर किसी को आते देखा है क्या? पर ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था, वह जानता था कि बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। सो मोनी बाबा बन गया और समाधि का स्वाग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका तो हुई, पर क्या करे, कहीं सही में कोई संत निकला तो? आखिरकार उन्होंने चुप कर उस पर नज़र रखना जारी रखा। यह बात चोर भाप गया, जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत गए, बाबा बैठा रहा। नगर में चर्चा शुरू हो गई। कोई सिद्ध संत पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठे हैं। सैनिकों को तो अचानक दर्शन हुए। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा सवेरे दर्शन करने पहुंचे। राजा ने विनती की कि आप नगर में पधारे और हमें सेवा का सौभाग्य दे। चोर ने सोचा, बचने का यही मौका है। वह राज के अतिथि बनने को तैयार हो गया। सब लोग जयघोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तित हुआ। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा। उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया और चोरी त्याग कर सन्यासी हो गया। दोस्तों, संगति, परिवेश और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। रत्नाकर डाकू को गुरु मिल गए तो प्रेरणा मिली और वह आदि कवि हो गए। असंत भी संत बन सकता है यदि उसे राह दिखाने वाला मिल जाए। अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वित पलायन आरंभ हो जाएगा।